सबसे पहली जो हमारी जगह है वो है सेती रिवर यार। लेकिन जो भी कहो भाई, ये नेपाली लड़कियों के भाई ना ड्रेसिंग सेंस बहुत सही होता है। ऑनेस्टी तो हमने खैर बहुत देखी है स्पीकिंग में, लद्दाख में वैसी सेम यहाँ भी होगी। अब पैसे लेने पड़ेंगे आपको। वेलकम यार। सबसे पहला कदम मेरा होगा स्केप के अंदर। ये देखो गाइस, ये देखो हीरे, क्या बात है भाई, ये हीरे की खान मिल चुकी है हमें यहाँ पे। कोशिश करते अंदर जाने की। भाई यहाँ तो डर लग रहा है। बस कैसा लगा आपको एलिफेंट केव? हम आते हैं इस कैटेगरी में। नहीं नहीं, हम आते हैं इस कैटेगरी में। है भाई, हाँ भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। आप नेपाल आके मैं फेमस हो चुका हूँ। नमस्ते नमस्ते यार, नेपाली लड़के इतनी क्यूट क्यों भाई, कब पकड़, एक नंबर रखना, टाइट कर लेना बॉडी को। अरे बॉस साहब आ गया, टो 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 टो। गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पोखरा सीरीज। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो चेकआउट कर लेना। उसमें मैंने आपको केव्स दिखाई थी और काफ़ी सारी वाटरफॉल दिखाए थे और शांति स्तूप भी दिखाया था। बाकी अभी सेकंड वीडियो में मैं आपको तीन चार जगह और घुमाने वाला हूँ, पता नहीं कौन कौन सी है। एक तो महिंद्र केव है और भी है। बाकी फिलहाल अभी सबसे पहले हम आए हैं यहाँ पे कुछ लंच करने। लंच करते जान मान लाते, फिर आपको आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करके दिखाते। वही हैं जिन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए थे हमारी जब टिकट कराने में। अब पैसे लेने पड़ेंगे आपको। ऐसे अच्छे लोग हमें नेपाल में कहाँ मिलते हैं यार, बहुत अच्छे। कल जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, कल जा रहे हैं। लेट्स गो लेट्स गो। सबसे पहली जो हमारी जगह है वो है सेती रिवर जॉर्ज। चलो जी अंदर चलते हैं। यहाँ टिकट काउंटर है, देखो नेपाली 60 रुपए का टिकट है। ओके देखो ये है सेती रिवर, ये देखो ये फॉल बह रहा है, सेती फॉल। और यहाँ देखो गाइस, ये देखो भाई, ये सेती रिवर बह रही है यहाँ पे। यहाँ की पवित्र नदी मानी जाती है। ये सब पानी अपने सर पे डाल लें लोग। ये देखो गाइस, तो गाइस अभी पूरा मैं घूम कर आता हूँ आपके पास और फिर दिखाता हूँ। तो देखो गाइस, ये देखो टनल नंबर 3 है। ये देखो यहाँ भी सेती रिवर बह रही है। सेती रिवर कहते हैं ना इसको। पुल देखो भाई, ये देखो यार पुल कैसा बढ़िया सा लग रहा है। बाकी भाई ये देखो यार, लेकिन जो भी कहो भाई, ये नेपाली लड़कियों के भाई ना ड्रेसिंग सेंस बहुत सही होता है। तो भी आप जब नाइट लाइफ के लिए जाएंगे तो दिखाऊंगा आपको। बाकी चलो सेती रिवर से बाहर निकलते और आगे देखते हैं आगे कहाँ कहाँ घूमना। तो गाइज यहाँ पे जो सेती रिवर है इसके पास सामने ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा डे चेन लिंग बुद्धा मोनेस्ट्री। बुद्धा मोनेस्ट्री ये भी कोई मोनेस्ट्री यार? मोनेस्ट्री तो हमने खैर बहुत देखी है स्पीति में, लद्दाख में वैसी सेम यहाँ भी होगी। और बाकी भाई यहाँ पे यही है। हेलो जी गाइस, अब चलते हैं अपनी मेन डेस्टिनेशन की तरफ जो कि है महिंद्रा केव, जो कि बहुत फेमस केव है यहाँ की। बाकी तो सीधा बैठते हैं भाई अपनी बस में। चलो फाइनली आ चुके हैं हम पीछे, देखो महिंद्रा केव के एंट्रेंस पे। देखते हैं यहाँ का टिकट प्राइस क्या है और अंदर केव कैसी है, बताते हैं आपको। क्या क्या प्राइस है टिकट का? 80 रुपये नेपाली। एंट्रेंस पे आ चुके हैं, वे टू केव। इधर एंट्रेंस तो बड़ी प्यारी बना रखी है भाई थीम। आ गए महिंद्रा केव, अब करते हैं एंट्री केव के अंदर। अरे भाई शेर वेर तो नहीं होगा? मिल जाए शेर तो मजा शेर नहीं जरूर हो सकती है। तो जी गाइस चलो केव के अंदर, सबसे पहले मैं जाऊंगा, सबसे पहला कदम मेरा होगा इस केव के अंदर। ओ भाई साहब क्या बात है, इधर गाइस मैं तो तलम्बों में तो छत टकराने वाली है केव से ही। अब तो अंधेरा हो गया भाई यहाँ पे अंदर, कीचड़ कीचड़ भी हो रहा है। ये होती है भाई केव असली, ये है केव, ये इसे कहते हैं भाई केव असली। केव तो यही है। केव का अब रास्ता किधर से है? यहाँ दो दो पॉइंट आ चुके इधर इधर, अब हमें पता नहीं कहाँ जाना है। वैसे इधर जाके देखते हैं केव के अंदर क्या है। भाई यहाँ पे देखो आप ये सब चीजें, ये पता नहीं क्या क्या बना रखा है लोगों ने यहाँ पे, पत्थरों से पत्थर का स्ट्रक्चर देख रहा भाई। अरे भाई मुझे कोयने की खान मिल गई, हीरे की खान। ये है हीरा भाई, देखो लग रहा है। ये देखो गाइस, ये देखो हीरे, क्या बात है भाई, ये हीरे की खान मिल चुकी है हमें यहाँ पे। बाकी ये देखो भाई, ये कहाँ चढ़ने का कोई सिस्टम ही नहीं भाई, फिर भी अपन चढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जैसे भी चढ़ेंगे हम। अरे भाई ये देखो भाई, लोगों ने यहाँ क्या क्या कर रखा है।
अरे भाई ये तो ऐसा लग रहा है कि अभी गिर गई तो काम खत्म हमारा। ये देखो भाई छोटी छोटी गुफा बनी हुई है यहाँ पे। चलो चलो आए है, ये देखो किसी के किस जानवर के पैरों के निशान है भाई। हीरा वही छिपा था, जल्दी लेना है। अच्छा हीरा लेना है। हाँ। कुछ अरे भाई गर्मी कितनी हो रही है यहाँ पे, तगड़ी वाली गर्मी हो रही है भाई लोग। और ये देखो भाई यहाँ पे छोटे छोटे आप जो छेद देख रहे हो ना, यहाँ पे शायद जानवर सांप वगैरह भाई सांप वगैरह तो होंगे। ये किसके निशान है? पानी के ड्रॉप्स आ रहे हैं। अच्छा पानी के ड्रॉप्स हैं। ओके मैं कहूँ यार यहाँ कौन सा जानवर आ गया। देखो ये पानी के ड्रॉप्स हैं। ये भैया ये ओहो ये क्या चीज है भाई? पानी का ड्रॉप। ये सर्दी है क्या इतनी जो बर्फ जमी हुई ऊपर? कैल्शियम नहीं नहीं भैया बर्फ ही है बर्फ भाई। ये जो भी है खतरनाक चीज बर्फ होगी ये जमी हुई। अच्छा भाई चलो सही है। क्या चीज है भाई यहाँ पे? एंड लेवल की ये चीज एक्सप्लोर करने यार पहली बार कर रहा हूँ मैं एक्सप्लोर ऐसी केव वगैरह ना। यहाँ क्या क्या कर रखा है बाकी आगे देख लो भाई। आगे तो नॉर्मल है तो सिस्टम है पूरी केव अपन घूम चुके। नहीं यहाँ आगे कुछ नहीं है सर मंदिर ही है। नहीं यहाँ निकलने का यहीं से आगे जो दिखता है आपको बताते हैं यहाँ पे केव में क्या क्या है। बाकी देख लो एक बार ये सब व्यू भाई केव का। ये देखो भाई शांति कितनी है। ये देखो अंदर इतनी सी गुफा है भाई अंदर। भाई तुम जा रहा हो ना? जाओ भाई जाओ हम तुम्हें देखेंगे तुम जाओ। ये रास्ता होगा कहीं का? ये रास्ता है फतेहपुर सीकरी। ये नहीं फतेहपुर सीकरी ये नरक का रास्ता है यहीं से निकल रहा है। जाओ भाई पहले तुम जाओ फिर मैं देख के आऊँ। थोड़ा कोशिश करते हैं अंदर जाने की। ओ तेरी भाई यहाँ तो डर लग रहा है भाई मुझे। ओ भाई भाई ये देख लो यहाँ पे इतनी सी जगह है लेकिन भाई डर लग रहा है क्योंकि अंदर भाई कुछ नहीं पता कहीं कुछ और ही सीन हो जाए अपने साथ। अपन भाई बाहर ही निकल लेते हैं। इतना ज़्यादा एडवेंचरस भी मत बनो भाई कि जिंदगी से हाथ धोना पड़ जाए। अच्छा मुश्किल है नीचे जाके निकलो भाई। यही है सिंपल से और कुछ नहीं। आपको जाना है? ये केव यहीं तक थी यहाँ से फिर वापसी बाहर का रास्ता है। बाहर निकलते भाई केव के रास्ता है भाई यहाँ से भी शायद कोई रास्ता है। आ जाओ आ जाओ। हम भाई ये देखो एक रास्ता हमने ढूंढा केव से बाहर निकलने का। ओ भाई ये रास्ता देखो। ओ भाई कैसा खतरनाक से रास्ता है। निकलने की कोशिश करते हैं। इनका तो लंबा भी है। अरे यार मैं कैसे निकलूंगा भाई साहब। निकल आएगा भाई निकल ले। अरे मैं फंस गया। गाइस निकल चुके हैं गुफा से लेकिन सही है यार यहाँ तो आया महिंद्रा केव मस्त जगह है भाई मजा आएगा अंदर जाके ना। गुफा से निकलो कहीं जाओ कहीं निकलो। बाकी देखो यार यहाँ के पेड़ खत्म हो चुके खत्म। सच बताओ मजा आ रहा है सबको? तो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो आ गई है कल्पना जी दी बॉस। बॉस कैसा लगा आपको एलिफेंटा केव? नजर ना लगे। क्या बात है भाई आज सेलिब्रिटी को पता है फेमस कर देना। फेमस तो होगा ना करेंगे तो आपको पंजाब में आके जो भी धुलाई पीटेंगे। पता है मेरे कितने सब्सक्राइबर है बताओ? दो मिलियन। दो मिलियन लोग इस टाइम आपको देख रहे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या कहना चाहोगे मेरे व्यूअर्स को? मैं नेपाल से हूँ ये इंडिया से आपका देश का आदमी बहुत अच्छा है। ये देख रहे हो बड़ा देना बहुत ज्यादा ही बड़ा देना इतना बड़ा देना इतना क्या बड़ा देना व्यूज बड़ा देना व्यूज बड़ा देना भाई समझ रहे हो ना। अभी हम नेक्स्ट जा रहे हैं बैट केव। बैट केव ये भी केव है बहुत सारा बहुत डेंजर केव बहुत तेरी से डेंजर तो आप भी बहुत हो इतना अच्छा अच्छा हीरो को पैदल नहीं चलाओ। अरे यार क्या बात है यार कितने क्यूट हो यार कल्पना जी आप। क्या बात रास्ते ने किसी में नजर लगा दिया तो फिर छोटी बहन है मेरा। हाँ क्यों ऐसे आप इतने अच्छे छोटी बहन कितनी अच्छी होगी वो छोटी बहन इससे भी बड़ा है मेरा बड़ा दीदी है जाए चलेगा। वाह क्या सीन है सही चलेगा भाई। चलो अब चलते हैं बैट केव। जैसे कि हमारे बॉस ने बताया बैट केव चलना है तो बैट केव चलते हैं। चलो लाइट आपको काउंटर में मिलेगा। जैसे आप लाइट लेके अंदर जाएंगे तो सीढ़ी आएगा राइट लेना एक छोटा सा घुसने का जगह दिखेगा उसके अंदर बड़ा सा हॉल मिलेगा। हॉल के ऊपर टॉप में बैट देकर जो रास्ते से आप लोग अंदर गए थे उसी रास्ते से ईमानदारी से निकलना। 20 मिनट का समय टाइम स्टार्ट
नाउ अगर इतना ध्यान मैंने पढ़ाई में दे लिया होता ना भाई तो आज मैं बहुत कुछ कर चुका होता है ना भैया। चलो भाई चलते हैं आगे। बोला था ना कुछ भी कहो, बॉस ने अभी तक मेरी बेइज्जती नहीं मारी, बाकी तुम दोनों की बेइज्जती पड़ चुकी है भाई पूरी पूरी है नहीं बॉस। मैं बंदा सही हूँ ना? बहुत अच्छा। लो ये बंदा सही है, मैं बंदा सही हूँ। जी आगे है अपना बैट केव, बैट केव में बहुत बैट होंगे बताए जा रहे हैं। दो बहुत सारा चलो जी। लो जी यहाँ भी एंट्री टिकट भाई, जहाँ जा रहे हो वहाँ एंट्री टिकट तो है ही है। देख लो हम आते हैं इस कैटेगरी में, नहीं नहीं हम आते हैं इस कैटेगरी में। सार इंडिया टूरिस्ट के लिए 80, स्टूडेंट टूरिस्ट के लिए हमारे लिए। चलो जी भाई टिकट लेते हो जाते हैं अंदर। तो भाई यहाँ पे हमें लाइट भी लेनी पड़ी है क्योंकि अंदर होगा अंधेरा, क्योंकि केव तो है भाई अंधेरा तो होगा। इन्होंने लाइट दी के भाई लाइट से देखना तुम अंदर बैठ। बाकी देखो भाई क्राउड फुल है भाई, यहाँ पे फुल क्राउड है, फुल है भाई। सब्सक्राइबर हो? हाँ भाई थैंक यू भाई, थैंक यू। आप सब्सक्राइबर हो मेरे? देखते हो मेरे वीडियो इंडिया से? लाइक कर। हार्टलेस ट्रैवलर, ट्रैवलर ट्रैवलर ड्राइवर नहीं भाई। यहाँ नेपाल आके मैं फेमस हो चुका हूँ भाई, सब लोग सब्सक्राइब करने आ गए भाई। अब पता नहीं भाई जाना कहाँ। नमस्ते 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 नमस्ते। बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? सब ठीक? हम भी बहुत बढ़िया है। नमस्ते नमस्ते। किधर से यार नेपाली लड़के इतनी क्यूट क्यों है मैं समझ नहीं पाया अभी तक। थोड़ी तारीफ करना जरूरी है ना नेपाली लड़की। हाँ मतलब काफी क्यूट है, हमारे इंडिया में इतनी क्यूट लड़कियाँ नहीं होती। चले जी नीचे चलते हैं बैट केफ की तरफ। भाई एंट्री कर रहे हैं और अंधेरा यहीं से चालू है फुल। अगर लाइट ना हो तो भाई कुछ नहीं दिखने वाला है यहाँ पे। ये बहुत बड़ी केव है भाई, ये देखो बहुत बड़ी केव भाई। इधर नहीं, जहाँ सब लोग जा रहे हैं वहीं चलते फिलहाल तो। हाँ भाई कहीं आओ जाके तो थोड़ा देख लेते हैं भाई। यहाँ पे भाई आते हैं, ये देखो ना बना रखे लोगों ने, फिर यहाँ पे भी यही स्कीम है। ये देखो ये सब चीजें लोगों ने यहाँ बना रखी है। हम आ गए, हमारा दिल फिसल गया भाई यार। सच बता रहे यार नेपाल में जो मजा आ रहा है ना भाई, नेक्स्ट लेवल का भाई, लोगों से लेके लोगों तक बहुत मजा आ रहा है। पानी की बूंद कहाँ से टपक रही है? पानी की टपकता मेरे समझ नहीं आया लॉजिक। क्या तो ऊपर ठंड है, वो ओस बन के नीचे गिरती है, ऐसा ही कुछ है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, पैर बहुत समझ के रखने पड़ेंगे यहाँ पे। आप घुस जाओगे क्या? सभी घुस रहे हैं, हम भी नहीं घुस रहे। सस्ता विराट कोहली अरे हम कहाँ फेमस है यार, फेमस तो आप लोगों, तभी तो हम आप लोगों की वीडियो बना रहे हैं। छोटे छोटे चिंगादड़े भाई यहाँ पे। चिंगादड़ दिखा के हम तो वैसे देखोगे चमगादड़, ऐसे मत डराओ भाई। ये देखो चमगादड़ है भाई, मेरे को डराओ मत यार। सब मेरे छुपक जाता है पूरी बॉडी पे, मेरे वैसे बहुत फटती है जानवरों से। कुछ नहीं हो रहा, आप जाके उसको पकड़ के आओ हाथ में। अच्छा काटता नहीं है, खा जाता है। ये देखो भाई कितनी बड़ी केव है, आपको अंधेरे में शायद दिख ना रहा हो पर बहुत बड़ी केव भाई, ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत बड़ी केव। ऊपर करना भाई, ये देखो भाई ऊपर देखो कितने चमगादड़ है भाई। शिट भाई चमगादड़ देख रहे हो, हजारों की तादाद में होंगे भाई। टॉर्च आगे। ना 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 भाई इनसे पंगा नहीं लेने का भाई, सच बता रहा हूँ। कम से कम ये तो 5-10 हजार चमगादड़ होंगे मेरे ऊपर, 5-10 हजार चमगादड़ भाई। ऊपर लाइट से दिखाओ, ये देखो भाई ये जगह है भाई देखने लायक, यहाँ लग रहा है भाई एडवेंचर कुछ आया करने हम भाई। ये देखो हम ऊपर चढ़ चुके हैं और ये देखो भाई चमगादड़ ऊपर, ये जिंदा है भाई, सो रहे हैं, जिंदा ही है सारे। पब्लिक पे आने का नहीं है। वो देखो क्या कर रहा है, वो देखो उसको देखो, ये देखो ये क्या कर रहा है, रास्ते में ट्रैफिक हो गया भाई। चलो भाई आगे चलो, हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, पूरा जाम हो चुका है, कोई ऊपर जा नहीं पा रहा है, बड़ी देर लग रही है। देखो कैसे कैसे ये स्पाइडरमैन बन के भाई जा रहे हैं ऊपर, स्पाइडरमैन बन के। अरे कोई ऐसे रहेंगे यार, कोई नहीं जाएगी, तो जाएगी नहीं बस, ऐसे कैसे चलिए। अब तो हमारे इतने यार फैन हो गए लोग,
फोटो वोटो खींच ली उन्होंने। कैसा लग रहा है भाई? तो अच्छा रहा था। पसीने वसीने आ रहे हैं? पसीने बहुत आ रहे हैं, गर्मी हो गई एकदम से। भाई देखो कम से कम 20 मिनट बाद रास्ता खुला है, हम जाने को तो वैसे जा से आए थे वैसे भी जा सकते थे। अरे भाई एडवेंचर करना है यार जिंदगी में, यहीं से जाएंगे कैसे भी जाएंगे पर यहीं से जाएंगे। अरे भाई साहब चलो ऊपर, ऊपर चढ़ना मुश्किल है यार, तक तो भाई ऊपर चढ़ना है वो बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। भाई टफ है, टफ है यार, टफ है, बहुत टफ है। उधर तो भाई हाथ देना है तो। अरे मैं स्पोर्ट्समैन बन रहा हूँ, सुन लो आदर्श भाई पकड़ एक नंबर रखना, टाइट कर लेना बॉडी को। आदर्श तू मत आ भाई, भैया 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 आप भी मत आओ, इधर से बहुत पतला नहीं निकल पाओगे। फस जाएंगे हम, हाँ पक्का कंफर्म फस जाओगे, ये नहीं आ पाएगा, नहीं आएगा हम तो आ गए यहाँ तक, ऊपर कैसे जाएंगे ये देखना है भाई। ऊपर भाई नहीं निकल सकते यार, इतने पतले से कहाँ निकलोगे। हाँ भेज दिया वापिस। अरे बॉस साहब कहाँ फंसा दिया आपने हमें, बॉस बॉस हम निकल जाएंगे भैया। अरे भाई ये देखो यहाँ पे कैसे हुआ यार, भाई सर बचाओ, हाथ दो मुझे पहले। आ गया आ गया भाई, देखो कैसे आ रहे हैं यार लोग। आदर्श भाई तुम जाओ, हमें तुम्हें देखूंगा। हाँ। मैं अकेला पड़ गया भाई यहाँ पे, कोई भी नहीं है लाइट पीछे, कोई नहीं है भाई, अब मैं अकेला हूँ पीछे। अपना बंदा आते हुए, ये पहला बंदा आ गया, शाबाश आ जा बेटा, आ जा आ जा, खुले में रहता है, आ जा भाई बेटा, आ जा आ जा, आ मेरे भाई आ जा, मैंने भी टांग पकड़ के कहीं जाएगा नहीं। भाई बहुत दिक्कत हो रही है भाई यहाँ से बाहर निकलने में, बहुत ज्यादा दिक्कत भाई। भाई तुम फंस गए तो मेरा क्या होगा, चलो मैं वहां से कोशिश करता हूँ, क्या पता मैं आ जाऊँ। भाई यहाँ से उतरना मुश्किल है यार, तीन तीन के उतरोगे, मैं वही तो कह रहा हूँ यहाँ से उतरना। दीदी वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी बॉस साहब, बॉस साहब आप आगे निकल जाओ नहीं तो यहाँ में दिक्कत हो जाएगी भाई, बॉस भी घुस गए हमारे अंदर। ओ भाई साहब बाहर का रास्ता, क्या बात है। चलो भाई चलो चलो, मैं धक्का दे रहा हूँ लो। अरे भाई गया भाई, मैं कोई नहीं पीछे हम बचे बस। लो भाई भाई कैमरा पकड़ लो मेरा, कोई बॉस साहब ने पकड़ लिया मेरा कैमरा। देखिए ये हमारा अच्छा आदमी यहाँ से निकल रहा है, मैं निकल जाऊंगा मुझे पता है, उनको वापस भेज दिया ना, भेज दिया। घर में मम्मी को बोल दो बेटा पैदा हुआ है, मुबारक हो। एक्सपीरियंस बॉय, कुत्ती सोची ना, पुश अप मारू, कुत्ती जी संगल निश्के। तो मम्मी को बेटा पैदा हुआ है, आ जा आ जा अंदर भाई, अब उनको निकल गए। हाउ इज द फीलिंग? बहुत अच्छे से निकला हूँ, सब मेरी तारीफ कर दो यार एक बार, देखो तालियां बज गई मेरे लिए। कितने 5 सेकंड में निकलूंगा। चलो अब चलते भाई नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, उससे पहले इस वीडियो को एंड कर देते क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, अब इतना लंबा और नहीं रखते, बाकी का चीजें नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट करें, बताने वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं एक नए ऐसे ही अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।